एनएसए के सीनियर पत्रकार स्वर्गीय के एल गांधी की याद में प्रेस क्लब डेराबस्सी द्वारा सरकारी हाई स्कूल जौहरपुर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने स्कूल के 370 के करीब बच्चों का चेकअप किया और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी। गौरतलब है कि इस कैंप में स्क्रीनिंग के बाद 80 बच्चे चुने गए जिनको आगे इलाज की जरूरत है। इस मौके पर बोलते हुए क्लब के प्रधान हरजीत सिंह लग्गी ने कहा कि इलाज के लिए चुने गए 81 बच्चों का सिविल अस्पताल डेराबस्सी और पीजीआई चंडीगढ़ की मदद से पूरा इलाज करवाया जाएगा। वहीं स्कूल की इंचार्ज मीना राजपूत ने बताया कि मास्टर केएल गांधी ने अपनी 36 साल की सेवा इस स्कूल में दी है और उन्होंने हमेशा स्कूल और बच्चों की भलाई के लिए काम किया है। सरकारी हाई स्कूल जवाहरपुर में एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। ये कैंप स्वर्गीय के एल गांधी जी जो कि एसी स्कूल विच अपना 36 साल नौकरी विच रहे हैं तो उन्हां दी याद विच लगाया गया है। इस विच 350 बच्चों का चेकअप किया गया है। उहदे विचों 2 बच्चों के माहिर डॉक्टर से और 3 डॉक्टर डेंटल सर्जन है सर। प्रेस क्लब की तरफ से जो ये मास्टर के एल गांधी जी की याद में जो इन्होंने फर्स्ट मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया है, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा उसका। हमारे बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। एसएमओ मैम ने भी आगे हमें काफ़ी जानकारी दी है जो हमें नहीं पता था कि 2.5 लाख तक का इलाज बच्चों का मुफ्त होता है, वो भी आज मुझे पता लगा है। तो इन्होंने एक बच्चा यहाँ से निकाला भी है जिसके हार्ट में छेद है हमारे स्कूल से भी, तो बहुत अच्छा ये मेरे को लगा। और हमारी तरफ से इनको आगे भी पूरा योगदान रहेगा, कभी भी हमारी सेवाएं लेने का वो करें। केएल गांधी जी यहाँ से उन्होंने जॉब बिल्कुल यहाँ से शुरू की उन्होंने और यहीं रिटायर हुए। फर्स्ट अपॉइंटमेंट उनकी 1961 की है, रिटायरमेंट उनकी 97 की। ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे, पर इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम स्कूल के लिए किए हैं। तो बिल्डिंग में भी काफ़ी योगदान रहा उनका, मैंने उनकी पूरी सर्विस बुक निकाल के देखी है, सारा बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है उनका। और इतनी छुट्टियां वो स्कूल के लिए छोड़ के गए हैं कि उन्होंने छुट्टियां नहीं ली अपनी पूरी। सबसे बड़ी चीज़ छुट्टियां होती है, वो छुट्टियां उन्होंने पूरी नहीं ली, 250 के करीब छुट्टियां वो ऐसे ही छोड़ के गए हैं स्कूल के लिए। तो इसके लिए हम प्रेस क्लब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी वालों आज साडे एक सीनियर साथी मास्टर के एल गांधी जी की पिछले महीने डैथ हो गई सी, उन्हों की याद से प्रेस क्लब सब डिवीजन के सारे साथियों वालों समाज सेवी कामों की लड़ी शुरू कर की गई। अज मास्टर जी जवाहरपुर स्कूल तो रिटायर हुए थे, उसनों देखते हुए अब जवाहरपुर के सरकारी स्कूल हाई स्कूल से कैंप लगाया गया, जिसे सरकारी स्कूल के 350 बच्चों का मेडिकल चैकअप किया गया, तो उन्होंने दवाइया प्रेस क्लब वालों मुफ्त दी गई। इस काम से सिविल अस्पताल डेराबस्सी वालों सानू पूरा सहयोग दिता गया। तो बच्चों का चैकअप करने दौरान 81 बच्चे ऐसे पाए गए जिन्होंने डॉक्टर ने फर्दर ट्रीटमेंट वास्ते सिविल हस्पताल रैफर किया वे। इन 2 बच्चे दिल के बीमारी का भी थोड़ा जहाँ शिकायत आई है, तो इस अलावा स्किन अखा के काफ़ी बच्चों शिकायत आई है, जिन्हें असी सारा ट्रीटमेंट असी फर्दर फैमिली और स्कूल नाल टाइप करके सिविल हस्पताल तो करवावे। तो साड़ी ये कोशिश है कि यह लड़ी जी मास्टर के एल गांधी जी नाम पर शुरू की समाज सेवी कामों की, इनू सब डिवीजन तक पूरे सारे सरकारी स्कूलों का असी मैडिकल चैकअप कैंप लाइए। साडे सीनियर पत्रकार जिन्हों ने सारे हल्के डेराबस्सी हल्के मीडिया कर्मियों को एकजुट होकर एक छतरी हेठ आके इकट्ठे करने में सारी उम्र लगाती अपनी पत्रकारिता जीवन लगाता, उन्हां दी याद में कैंप लाया सी सरकारी हाई स्कूल जवाहरपुर में जितों कि वो रिटायर हुए थे 30 अप्रैल 1996। ता करके उसी स्कूल दे विच तकरीबन 350 बच्चों का अज मैडिकल चैकअप किया गया। और मैं जिन्हां दे याद दे विच उन्हां दे बड़े भाई साहब आए सीगे, छोटे भाई साहब आए सी, बेटे राजीव गांधी आए सीगे। और मैं बधाई भी दिंदा प्रेस क्लब की पूरी टीम नूं जिन्हां ने टीम वर्क दिखाते हुए इस मैडिकल कैंप की तो जिहड़ी एक मुहिम छिड़ी है अपनी समाज सेवी कामों की मास्टर जी की याद में उसनों मुकम्मल तौर पर पूरी तरह निभाया गया। प्रेस क्लब वालों अगे तो भी इस तरह के कोई उपराले किए जाए? बिल्कुल किए जाएंगे, यही टीम वर्क में असं जारी रखेंगे। मास्टर जी साढ़े बच्चे आए नहीं रहे, उन्होंने सोच उन्होंने एक जी छवि साडा मार्गदर्शन अंदरों अंदरूनी तौर पर कर रही है और असी उन्हों की जी सोच है हमेशा मुकम्मल पहला देंगे। जिहड़े बच्चों प्रॉब्लम आई उन्होंने ट्रीटमेंट अगर कराया जाएगा उन्होंने तो सिविल हॉस्पिटल में आप प्रधान जी और वैष्णव जी ने सारे टीम वाले लैके पता करा कि डेफिशेंसीज क्या है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिस तरह के दिलों में छेद की गल की जा रही है, उन्होंने वास्ते गवर्नमेंट वालों भी कुछ इलाज के वास्ते एड मिलती है, मेडिकल एड मिलती है, आपां उन्होंने केसां नूं परसू करांगे और जिथे तिकर भी रिक्वायरमेंट होगी अपना यथा संभव योगदान असीं पावांगे। कैमरामैन पंकज जस्सी के साथ मेजर ललित रिपोर्ट।